Welcome back to Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speaking people. So in this fifth class of our 30 days English speaking course, you are going to learn present perfect tense with a very simple explanation and a lot of example sentences. Yani aap seekhenge present perfect tense bahut sari misalon aur saada tareen explanation ke sath jo ki bahut jald aapko samajh aa jayega aur is video ke end tak aap is kabil ho jayenge ki aap khud se bahut sare sentence bana saken. So agar aap chahte hain ki aap is lesson ka PDF hasil kare to description ke andar link maujood hai jahan pe click karne ke baad aap easily PDF hasil kar sakte hain, lekin usse pehle main recommend karunga ki aap ye video end tak zarur dekhen kyunki is video ke andar hi explain kiya jayega sab kuch जो कि आपको PDF के अंदर नहीं मिलेगा। सो अगर अब तक आपने इस कोर्स की बाकी क्लासेस नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिएगा। क्लास नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो भी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो वंस यू आर रेडी लेट्स डाइव इनटू इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। अब वर्ड मुकम्मल से आपको पता चल चुका होगा कि दिस टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन विच हैज़ कम्प्लीटेड, लेकिन ऐसा एक्शन जिसका हम प्रेजेंट में जिक्र कर रहे हैं कि वो अभी हो चुका है, राइट? तो ये एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में किसी टाइम स्टार्ट हुआ था लेकिन उसकी जो कम्प्लीशन है वो अभी नियर पास्ट में हुई है। फॉर एग्जांपल, एक काम आप शुरू करते हैं, सुबह आप शुरू करते हैं और शाम के वक्त आप ये कहते हैं कि मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूँ। जिस वक्त आप ये बता रहे होते हैं उस वक्त वो काम तो पास्ट में चला गया होता है क्योंकि आपने वो पहले कर दिया है, लेकिन वो होता है नियर पास्ट और क्योंकि आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर कि मैं ये कर चुका हूं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कंसीडर किया जाता है। ऐसे उर्दू के फिक्रात के आखिर में क्या है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं वगैरह आता है। फर्दर जिसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए समझाऊंगा मैं। वो खेल चुके हैं यानी एक ऐसा एक्शन जो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। मैं जा चुका हूं, बारिश हो चुकी है, और सबसे आसान एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मैं ये काम मुकम्मल कर चुका, मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, उससे भी सादा एग्जाम्पल कि जिस वक्त आपने ये वीडियो प्ले किया उस वक्त आप एक काम मुकम्मल कर चुके, और वो काम क्या है, वीडियो देखना, मतलब आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्शन जो मुकम्मल हो चुका है उनका जिक्र करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यानी हैज और हैव, ये किस तरह इस्तेमाल होंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज इस्तेमाल होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल होगा। अगर आप ये कोर्स शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी किसी भी टेंस के अंदर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब कुछ सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आपको अब तक सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वगैरह का आइडिया नहीं है तो आप ये कोर्स स्टार्ट से देखेंगे जब क्लास नंबर 1 से, तो आप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो हम देखते हैं कि हैज का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। जब भी कोई सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी बॉय, अली, गर्ल, फॉर्मर, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो कि एक पर्सन पे या किसी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा हो, जो एक चीज़ काउंट की जा रही है, उसको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? तो उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। हैव का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, राइट? प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब बॉयज, यानी एक बॉय है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा लड़के हो गया, बॉयज हो गया, तो वो प्लूरल है, राइट? सो फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो वर्ड्स पे है कि कम्प्लीटेड होमवर्क, लेकिन अभी तक हमें ये आइडिया नहीं है हमने इसके साथ हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है, और इसके साथ इस वक्त क्या सूटेबल रहेगा हमारे लिए। तो पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है। अगर सब्जेक्ट आपका ही आ रहा है यानी आपका सेंटेंस ही से शुरू हो रहा है तो आप हैज लगा देंगे, जिस तरह ही हैज़ कम्प्लीटेड होमवर्क, शी हैज़ कम्प्लीटेड होमवर्क, बॉय हैज़ कम्प्लीटेड होमवर्क, अली हैज़ कम्प्लीटेड होमवर्क, गर्ल हैज़ कम्प्लीटेड होमवर्क। अब ये सब के साथ हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हैव का इस्तेमाल हमने किस केस में करना है। आई, यानी सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है, आई हैव कम्प्लीटेड होमवर्क, वी हैव कम्प्लीटेड होमवर्क, यू हैव कम्प्लीटेड होमवर्क, दे हैव कम्प्लीटेड होमवर्क, बॉयज हैव कम्प्लीटेड होमवर्क, राइट? ऐसे केस में जब सब्जेक्ट ये होंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। फर्दर हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब,
यानी वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक जेरंड होती है यानी आईएनजी वाली। अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, राइट। तो जो इस टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे वो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी कंप्लीटेड, गॉन, बॉट, कुक्ड, जंप्ड। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? कंप्लीट। लेकिन थर्ड क्या है? कंप्लीटेड। इसकी क्या है? गो, वेंट, और थर्ड क्या है? गॉन, बाय, बॉट, बॉट, राइट। इस तरह से ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रू आउट दिस टेंस इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस इसके किस तरह से बनाने हैं। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये कोई इस तरह का नहीं हो क्योंकि इसमें आपको कुछ सेंटेंस रटे रटाए बताए जाएंगे, बल्कि इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर समझाया जाएगा और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप कोई भी सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज या हैव। अब ये हम देख के लगाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, राइट। आई हैव गॉन टू स्कूल, आई था सब्जेक्ट, हमने साथ हैव लगाया। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट देखे स्ट्रक्चर के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव गॉन, गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। द फार्मर्स हैव प्लॉड, किसान हल चला चुके हैं। द पिजन्स हैव फ्लोन इन द एयर, कबूतर हवा में उड़ चुके हैं। बॉय हैज संग अ सॉन्ग, लड़का गाना गा चुका है। शी हैज वॉश्ड द क्लॉथेस, वो कपड़े धो चुकी है। अब ये था सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस अगर आपको बनाना आ गए हैं तो नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि ज़रा सी चेंज करनी होती है। जिस तरह पहले सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लग रहा था, वर्ब थर्ड लग रहा था, ऑब्जेक्ट लग रहा था, सब कुछ वैसा रहेगा, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करें। आई हैव नॉट गोन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका। द फार्मर्स हैव नॉट प्लोड, किसान हल नहीं चला चुके। द पीजन्स हैव नॉट फ्लोन इन द एयर, कबूतर हवा में नहीं उड़ चुके। बॉय हैज नॉट संग अ सॉन्ग, लड़का गाना नहीं गा चुका। शी हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथेस, वो कपड़े नहीं धो चुकी है। मैंने आपकी आसानी के लिए सेंटेंसेस भी सेम इस्तेमाल किए हैं, स्ट्रक्चर भी सेम इस्तेमाल किया है, फर्क सिर्फ क्या आ रहा है कि हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिकरात। जब आप टेंस में सवाल पूछते हैं तो आपने किस तरह पूछना है? क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ? Have I gone to school? Has or have? यानी हेल्पिंग वर्ब, उनको उठा के स्टार्ट में ले आना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम, जिस तरह सिंपल सेंटेंसेस में बनाया तो सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की थर्ड आ रही, ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन क्या करें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से दरमियान से उठा के स्टार्ट में लगा दिया है। सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। Have I gone to school? क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ? Have farmers plowed? क्या किसान हल चला चुके हैं? Have pigeons flown in the air? क्या कबूतर हवा में उड़ चुके हैं? Has the boy sung a song? क्या लड़का गाना गा चुका है? Has she washed the clothes? क्या वो कपड़े धो चुकी है? तो अब ये देख लें कि सेंटेंस में कितना सा फर्क आया है। सिर्फ ये कि सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट सब सेम रहा, हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्ट में लगाया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गया। और इसी तरह सभी टेंसेस के अंदर होता है। सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए, उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बिल्कुल आसान होता है। फर्दर मैं आपको कुछ बताऊंगा यूजेस, जो पहले जो मैंने आपको इस्तेमाल बताया उससे थोड़े हटके हैं और ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे और बहुत कम बुक्स में इनका जिक्र होता है। सो जब आपने कुछ जनरल एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं, अपने कुछ आम तजर्बात जिनको हम कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ या मैं ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे Has she ever tried biryani before? क्या वो इससे पहले कभी बिरयानी ट्राई कर चुकी है? पहले कभी, ठीक है, इस चीज पे गौर करना है, पहले कभी। I have never met him, ठीक है, मैं उसको कभी नहीं मिला, मैं उसको कभी नहीं मिल चुका, ठीक है। I have never, तो ever और never का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम लगाते हैं has have, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम ever और never का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मैं ये काम मैंने कभी नहीं किया, ठीक है। Recently occurred, नेक्स्ट क्या है? Recently occurred, यानी जो अभी अभी हुआ हो। वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जस्ट।
आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैं अभी अभी मैंने लंच किया है, ठीक है. शी हैज जस्ट सॉ मी ऑन द रोड, उसने अभी अभी मुझे रोड पे देखा है, ठीक है. तो जब आपने बताना हो कि ये काम अभी अभी हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट का इस्तेमाल करते हैं. आई हैव जस्ट ईटन लंच, शी हैज जस्ट सॉ मी ऑन द रोड, नॉट अकर्ड अप टू नाउ. जब आपको बताते हैं कि कोई एक्शन अभी तक भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक भी नहीं हुआ. दे हैवंट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आए. अहमद हैवंट कंप्लीटेड द टास्क येट, अहमद ने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया. अहमद ने अभी तक वो टास्क मुकम्मल नहीं किया. तो जब आपने ऐसी बात करनी होती है, आप उसके साथ येट का यूज करते हैं एंड पे और कहते हैं कि ये काम अभी तक नहीं हुआ, ठीक है. अगला है अकर्ड बिफोर यू एक्सपेक्टेड, यानी कोई काम जो उम्मीद से पहले हो गया हो. हम सोच रहे थे कि ये इस वक्त होगा, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है, वो उससे पहले हो चुका है. दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले आ चुके हैं. अहमद हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क, अहमद पहले से काम मुकम्मल कर चुका है, ठीक है. ऊपर हमने एग्जांपल्स देखी कि दे हैवंट अराइव्ड येट, यानी वो अभी तक नहीं आए. दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले से ही आ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सपेक्ट करें वो 3 बजे आएंगे, वो आ जाते हैं 2 बजे, तो हम कहते हैं दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले आ चुके हैं, मतलब वो पहले ही आ चुके हैं, ठीक हो गया. तो ये कुछ यूजेस थे जो उससे हटके थे, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे. सो इनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल आप देखेंगे भी और देखते आपको समझ आ जाएगी कि इसका मीनिंग क्या है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको ज़रूर दूंगा, सो ये सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए. प्रैक्टिस आपने कहाँ करनी है वो भी आपको बताता हूँ. पहले आप ये सेंटेंस अच्छे से देख लें और आपने कोशिश करनी है कि आप ये सेंटेंस बना के अभी जो कमेंट के अंदर लिखेंगे, और मैं चेक करूंगा हर कमेंट का, मैं रिप्लाई करूंगा और मैं चेक करूंगा कि जिसकी जो गलती होगी वो मैं उसको उसी वक्त बता दूंगा. तो आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो कमेंट के अंदर लिख देनी है, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट का पता चले कि इस वीडियो के अंदर से आपने क्या कुछ अब तक सीख लिया है. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें. और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी आपके और दोस्त का भला हो जाए और उसको ये टॉपिक समझ आ जाए, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें. आई गेट बैक टू यू विद एन अदर इंटरेस्टिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियो. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.